और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता उमा भारती के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का दर्द भी सामने आया। एक कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा ताई ने कहा कि जो लोग सालों से बीजेपी में हैं उन्हें तवज्जो दिया जाना चाहिए। ताई यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों में वो भी शामिल हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद ताई अब अपने बेटे मंदार महाजन को राजनीति में देखना चाहती हैं, जिनके लिए उन्होंने इशारों में टिकट की दावेदारी पेश की है। ये कोई पार्टी छोड़ के जाता है वो आता है, बजाय उसके जो कभी जिंदगी में किसी ने पार्टी नहीं बदली उनको क्यों नहीं आप महत्व देते? ऐसे भी तो लोग हैं ना। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक हूँ, वन ऑफ देम। ऐसे भी लोग जिन्होंने आज पार्टी को बनाया है, कुछ भी नहीं मिलते हुए भी एक सामान्य से सामान्य करता, कई ऐसे कार्यकर्ता कि हो सकता है वो मंडल अध्यक्ष भी नहीं बन पाए, लेकिन आज भी जिंदगी में काम करते हैं। मैं उन लोगों को महत्व देने वालों में से हूँ।